जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मेरी ब्लेसिंग हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों आज जो उपाय सोमवार का मैं आपको देने वाला हूं, अगर इस उपाय को आपने कर लिया दोस्तों, पैसे बहाने मार मार के आपकी जिंदगी में आएगा। क्योंकि कलयुग में राहु को यदि आपने प्रसन्न कर लिया, राहु के उपाय में दोस्तों बहुत ज्यादा देता हूं कि राहु जो है कलयुग के राजा हैं। राहु को प्रसन्न करना मतलब कि अपनी जिंदगी में पैसों को आकर्षित करना, और थोड़े नहीं बहाने मार मार के ऐसे पैसों को आकर्षित करना। राहु जिस पे यदि प्रसन्न है तो उसकी जिंदगी में पैसे की भरमार है। लेकिन राहु से पीड़ित व्यक्ति जो होता है, आप हमेशा ध्यान देंगे कि उसके पास में पैसा तो होगा लेकिन वो बहुत गंदगी से रहेगा, कुसंगति में रहेगा। उसके पास में मतलब कि साफ सफाई वाली चीजें कुछ भी नहीं रहेंगी। पैसे कहां खर्च करना है, राहु जो होता है अगर प्रसन्न है तो पैसे तो आएंगे, लेकिन उसकी अगर दशा अगर अनुकूल नहीं है तो पैसे कहां खर्च करना है ये भ्रमित कर देता है। पैसे आएंगे लेकिन जुआ में, नशा में, सट्टा में, जुआ में, यहां उल्टी सीधी जगह खर्च करना। और दोस्तों राहु को प्रसन्न करने का सबसे अच्छा जो तरीका है वो है महादेव। अगर आप नित्य प्रति महादेव की पूजा करते हैं तो राहु हमेशा आपके कंट्रोल में रहेंगे। जो भी व्यक्ति महादेव की पूजा करेगा राहु उस पर हमेशा प्रसन्न रहेंगे। और मैं आपको आज ऐसे उपाय बताऊंगा, छोटे छोटे से कुछ उपाय बताऊंगा जिससे राहु को यदि आप प्रसन्न कर लेते हैं तो पैसे भी दोस्तों जिंदगी भर पैसों में खेलेंगे, पैसे से संबंधित कोई परेशानी नहीं आएगी आपको। तो दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि राहु की दशा आपके ऊपर चल रही है, तो होता क्या है कि राहु जिस पे भी अगर हावी होता है तो घर का मुखिया है, जो कमाई जिसकी घर से जिसका घर कमा मतलब कि जिसका घर चला रहा है, जो घर जिसकी कमाई से घर चल रहा है, तो सबसे पहले उसको पीड़ित करता है। अगर उसका व्यापार है, नौकरी है, तो वो क्या होगा, उसमें घाटे में जाएगा, उसको कुछ ना कुछ ऐसा रोग हो जाएगा या उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसी कोई कंडीशन आपके साथ में है तो आप समझ जाइए, या फिर वो पैसा ऐसी जगह खर्च करेगा जो आपके घर के लिए ठीक नहीं है। घर में पैसे कम देना, बाहर ज्यादा उड़ाना, तो इस प्रयोग को पति अपने पत्नी के लिए कर सकती है और पति अपने पति के लिए, या फिर माँ बाप अपने बच्चों के लिए भी कर सकते हैं। आप लोग एक नियम बना लें, सोमवार से एक शिवालय निश्चित कर लें, एक मंदिर शिव जी का, और चंदन का जो इत्र होता है ये अपनी बॉडी में छिड़कें हर सोमवार, और चंदन का इत्र छिड़क करके, और आपको घर से निकलना है, दो आप अलग अलग इत्र लेंगे, जो अपने ऊपर छिड़क रहे हैं वो आपको महादेव को नहीं चढ़ाना है, अपने लिए अलग इत्र रखेंगे चंदन का, और एक आपको इत्र लेना है जो महादेव को चढ़ाना है, तो वो इत्र आप अलग रखेंगे। अपनी बॉडी में चंदन का इत्र लगाएंगे, और इत्र लगाने के बाद में चार अगरबत्ती आपको लेनी है चंदन वाली। दोस्तों चार का अंक जो होता है राहु का होता है, इसलिए आपको चंदन वाली चार अगरबत्ती लेनी है। और ओरिजिनल चंदन जो होता है, ओरिजिनल चंदन आप मार्केट से ले आए पूजा पाठ वाले स्थान से, और उसको घिस लें, उसका पेस्ट बना लें। चंदन का इत्र, चंदन के इत्र की अगरबत्ती चार, और साथ में चंदन का इत्र का पेस्ट, और साथ में चार बेलपत्री, ये लेकर के आपको शिवालय जाना है सोमवार के दिन, ठीक है। अब वहां पर सबसे पहले आप जाएंगे तो महादेव को आपको क्या करना है, चंदन का इत्र छिड़कना है। चंदन का इत्र महादेव को आप छिड़केंगे, उसके बाद में जो आपने बेलपत्री ली हुई थी, सभी बेलपत्रियों में अपनी ये अनामिका उंगली, इससे आपको लिखना है उसी चंदन के पेस्ट से राम, और एक एक बेलपत्री आप ओम नमः शिवाय नाम का जाप करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए शंकर भगवान को चढ़ा देंगे, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, अगरबत्ती जो ली हुई थी, सॉरी दोस्तों, उसके बाद में आपको 108 बार ओम नमः शिवाय का मंत्र का जाप करना है। ओम नमः शिवाय का 108 आप जाप कर लेंगे। अब चार अगरबत्ती जो आपने ली थी चंदन की, ये आप जलाएंगे, और साथ में चार बार ओम रम राहवे नमः, ओम रम राहवे नमः, ओम रम राहवे नमः, ओम रम राहवे नमः, ये चार बार इस मंत्र का जाप कर देंगे। बस ये हर सोमवार से आप स्टार्ट कर दीजिए, उसके बाद में देखिए कि राहु आपके कैसे कंट्रोल होते हैं। कलयुग में यदि दोस्तों पैसों में खेलना है तो मैं हर बार बोल रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ
दो ग्रह हैं जो आपको धनवान बना सकते हैं। मैं शुक्र की वीडियो ज्यादा बनाता हूं और साथ में राहु की वीडियो ज्यादा बनाता हूं, और आपको यही रिकमेंड करता हूं कि राहु और साथ में शुक्र अगर ये आप पे मेहरबान है तो आपकी लग्जरीज लाइफ, ऐश्वर्य लाइफ ये बन जाएगी आपकी। राहु जो होते हैं ये अचानक अचानक से पैसे दिलवाते हैं, एक करोड़पति को करोड़पति बना सकते हैं, और शुक्र जो है ये लग्जरीज लाइफ, ऐश्वर्य, धन संपदा, साथ में अट्रैक्शन, प्रेम संबंध, ये सब चीजें मजबूत करते हैं। और यदि हो सके दोस्तों तो आप एक छोटा सा काम करिए, आपके घर की जो नैगत्य दिशा है, आपके घर की नैगत्य दिशा, काफी लोग नहीं समझ पाते हैं नैगत्य दिशा क्या है, तो पश्चिम और दक्षिण इन दोनों के बीच में जो कोण बनता है इसे कहा जाता है नैगत्य दिशा। तो यहां पर हमेशा चार अगरबत्ती आप जलाएं चंदन की, और साथ में ओम रम राहवे नमः इस मंत्र का जाप करें, सोमवार के दिन से जलाना शुरू करें, कंटिन्यू जलाएं। अगर हो सके तो अगर आपकी वहां पर जगह हो, मिट्टी वगैरह हो वहां पर, तो वहां पर एक चंदन का वृक्ष लगा दें। अगर ये उपाय कर लिया दोस्तों, चंदन का वृक्ष वहां लगा दिया, तो उसके बाद में आप देखेंगे कि पैसे जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे आपकी जिंदगी में। और ये भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक गमला ले लें, गमले में वहां पर एक पौधा लगा दें चंदन का, ये भी आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक चीज, शनिवार के दिन में आप एक छोटा सा प्रयोग और करें, गाय का जो उपला होता है, गाय जो गोबर करती है और उससे जो कंडे बनते हैं उपले, उसमें आप बुधवार के दिन में आप चार बार जो उपला होगा उसमें आग जला करके, और वहां पर आपको अजवाइन जो होती है, अजवाइन की चार बार आहुति दें ओम रम राहवे नमः इस नाम से, इस मंत्र से, और उसका धुआं करें नैगत्य कोण में, इससे भी आपकी जबरदस्त राहु मजबूत होंगे। राहु यदि मजबूत हो जाते हैं दोस्तों तो जिंदगी में पैसा की भरमार कर देते हैं, लेकिन राहु से पीड़ित व्यक्ति या तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, घर के सभी सदस्य अलग अलग रहेंगे, घर में ग्रह कलेश मचा रहेगा, बच्चे हमेशा दोस्तों बिगड़ेंगे जिस घर में राहु की दशा खराब है, और बच्चे हमेशा गलत संगति में जाएंगे, घर का मुखिया है वो घर में पैसे खर्च नहीं करेगा, घर में पैसे नहीं देगा, गलत जगह इन्वेस्टमेंट करेगा, पैसे आएंगे तो, या फिर अज्ञात बीमारी आ जाएगी कि आपको बीमारी होगी लेकिन बीमारी क्या पता नहीं चलेगा। राहु से पीड़ित व्यक्ति के साथ में ये चीजें होती हैं कि भ्रमित करना, आपको भ्रम में डालना। तो राहु को प्रसन्न कर लीजिए जो महादेव का मैंने उपाय बताया है, हर सोमवार को उस प्रयोग को करिए, और राहु की दशा अगर शांत हो गई तो फिर दोस्तों आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि एक रात में आप करोड़पति बन जाएंगे, लेकिन उपाय करते रहेंगे तो धीरे धीरे इतना पैसा आपकी जिंदगी में आएगा कि आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस उपाय श्रद्धा विश्वास से करिए, क्योंकि आपकी आस्था, आपका विश्वास यहां काम करता है, और हमारी जिंदगी में जो भी खेल होता है सारा खेल ग्रहों का होता है, अमुक अमुक बॉडी के पार्ट में अमुक अमुक ग्रहों का अंश होता है। मैंने काफी वीडियो बनाए हुए हैं कि अपने पेड़ों पैरों की जो एड़ियां हैं उनको भी साफ रखिए, और ये आपकी कोहनी है इनको साफ रखिए, क्योंकि यहां भी राहु का वास होता है। आप चैनल पर चेकआउट करिए, आपके हर समस्या का समाधान मेरे चैनल पर मिल जाएगा। शत्रु से परेशान है उनके वीडियो मैंने बनाए हैं, एंजल्स नंबर के मैंने वीडियो बनाए हैं, वास्तु तिथि दिए हुए हैं, पति पत्नी में अन मैंने उनके वीडियो बनाए हैं, वशीकरण, हर चीज के आपको सोल्यूशन मेरे चैनल पर मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।